नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कार और बस की भिड़ंत, कार सवार 3 गंभीर रूप से घायल। झांसी के मौरानीपुर में सोमवार की सुबह कार और बस की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 4 लोगों में लगभग 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारकर भाग रही बस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर भेजा गया। बताया गया है कि आबकारी व्यापारी क्रेटा कार में सवार होकर दतिया से पन्ना की ओर जा रहे थे। जैसे ही मौरानीपुर के आगे ढाबे के पास पहुंचे, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर बड़ा गांव के पास सामने से आ रही बस पीतांबरा ट्रेवल्स ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार अजय श्रीवास पुत्र निर्देश निवासी ललितपुर, निर्देश पुत्र सूरज नारायण ललितपुर, राधेश्याम शिवरे पुत्र सुरेश कुमार निवासी दतिया सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इन्हें मौके पर मौजूद राहगीरों 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायलों में से एक व्यक्ति की हालत नाजुक होने से उसे झांसी रेफर कर दिया गया। वही टक्कर मारकर भाग रही बस को गश्त कर रही पुलिस टीम द्वारा गरौटा चौराहे पर पकड़ कर हिरासत में ले लिया गया। मौके पर पहुंची प्रभारी निरीक्षक रामदेव राम प्रजापति ने कार्रवाई शुरू कर दी। और रानीपुर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। राधेश्याम से बारे दतिया से कहां जा रहे थे? पन्ना जा रहे थे काम पे, शराब लाइन में काम करते हैं। तो जब मैनेजर साहब हैं मेरे साथ में, हम लोग जा रहे थे झांसी से, तो निकले ही हैं अभी थोड़ी देर पहले। अचानक हम सामने बस वाले ने मार दी चक्कर। हाँ, कितने लोग थे आप? हम 4 जने हैं। भाई साहब के बड़े भैया की मैसेज हैं, उनका लड़का है और भाई साहब हैं घुमनी में, वहाँ पे देवन नगर में, और मैं सेल्समैन हूँ। है मऊरानीपुर से आगे वो ढाबा के पास में, नाम तो जानते नहीं थे कौन सी जगह है। हमारी वो थी क्रेटा, सामने से मार दी उसने।